हेलो दोस्तों, आज बनाऊंगा मैं वेज हक्का नूडल। और ये मैंने कुछ वेजिटेबल्स लिया है, अनियन, रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर, 3 पीस मशरूम, कैबेज, पोकछई एंड कैरेट। और ये मैंने चाइनीज़ कैबेज लिया है 1 पीस। और अनियन को मैं जूलियन कट में काटूंगा। ओरियन कट चुका है, रेड बेल पेपर को भी मैं जूलियन कट में ही काटूंगा। इसी प्रकार मैं सारा वेजिटेबल्स जूलियन कट में काटूंगा। और ये लिया चाइनीज कैबेज, ये हमारा कट गया है। पोकछई को ज़्यादा बारीक नहीं काटना है। और कैरेट को पहले हम स्लाइस निकालेंगे, उसके बाद फाइन जूलियन कट में काट देंगे। इसके बाद मैंने मशरूम लिया है, मशरूम को भी मैं जूलियन कट में काट दूंगा। और एक कैबेज को भी जूलियन कट में काट दूंगा। और ये मेरा वेजिटेबल्स ओके हो गया है। ये मैंने एक पोर्शन नूडल लिया है। चलो दोस्तों, कढ़ाई को साफ करते हैं। और सबसे पहले हम कढ़ाई को अच्छे से सेट करेंगे, जिससे कि हमारा नूडल कढ़ाई में चिपक ना जाए। ऑयल को बिल्कुल ही हीट में करना है, तब जाके हमारी अच्छे से सेट हो जाएगी कढ़ाई। आप देख सकते हैं दोस्तों, दोस्तों हमारी कढ़ाई सेट हो गई है। इसके बाद हम ऑयल को निकाल देंगे और इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। वेजिटेबल्स अभी हमें चाइनीज़ कैबेज और पोकछई ऐड नहीं करने हैं, बाकी सारा वेजिटेबल्स हमें ऐड करना है। और एक कैबेज भी ऐड किया और अच्छे से टॉस करेंगे। ऑयल ज़्यादा नहीं रखना है हमें, नहीं तो ऑयली ऑयली हमारा नूडल पूरा ऑयली हो जाएगा। और वेजिटेबल्स को ज़्यादा नहीं गलाना है, 30 सेकंड तक ही टॉस करें। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसके बाद इसमें नूडल ऐड किया वन टीस्पून एरोमेट पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून वाइट पेपर और 1 टीस्पून लाइट सोया। और अच्छे से मिक्स कर देंगे। देख सकते हैं दोस्तों, चाइनीज कैबेज और पोकछई ऐड कर दिए हैं और अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, कढ़ाई अच्छे से सेट होनी चाहिए, तब जाके नूडल कढ़ाई में नहीं चिपकता है। आप देख सकते हैं, और बढ़िया से टॉस करेंगे। अच्छे से मिलाना है हमें। ध्यान रहे, नूडल टूटना नहीं चाहिए। दोस्तों तैयार है वेज हक्का नूडल।
आप देख सकते हैं दोस्तों, दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाना दोस्तों। और ऊपर से डाला स्प्रिंग अनियन।